सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो एक नॉर्मल और कॉमन टॉपिक है। हम डिस्कस करेंगे, अभी निफ्टी जो है वो लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ निफ्टी नहीं, ऑलमोस्ट ग्लोबल के सारे मार्केट आफ्टर 7 और 8 मंथ गैप के बाद ऑलमोस्ट लाइफ हाई या फिर लाइफ हाई के नियर ट्रेड कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है और इंडियन मार्केट जिस कंडीशन पे अभी है, क्या अभी इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर है या फिर आप लोगों को वेट करना चाहिए या फिर मार्केट क्रैश भी हो सकता है, सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, निफ्टी अभी लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आज का डेट पे ऑलमोस्ट 12,700 तक निफ्टी पहुंच गया है। नॉट ओनली दैट, रिसेंट डेज में सेंसेक्स ने भी अपना लाइफ टाइम हाई लगा लिया है। अमेरिकन मार्केट तो बहुत ही ड्रीम रन पे चल रहे हैं। इस सब का रीजन क्या है, देखिए इंडियन मार्केट जो है रिसेंटली लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। कोविड के टाइम मार्च महीने में मार्केट बहुत ही नीचे था, 7,500 तक भी मार्केट चला गया था। उससे पहले का जो लाइफ हाई था वो ऑलमोस्ट 12,400 के नज़दीक था। हमने ना ही इस लाइफ हाई को ब्रेक किया है, अभी मार्केट बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है, सारे स्टॉक बहुत ही अच्छे पोजीशन में। इसके लिए सबसे मेन जो रीज़न है वो है अमेरिकन मार्केट। एक टाइम था जो 2016 से पहले का टाइम था, हमारे इंडियन मार्केट SGX निफ्टी, हमारा निफ्टी जो सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड होता है और हांगकांग का मार्केट को बहुत डिसेंटली फॉलो करता था। इसी के साथ साथ सारे एशियन मार्केट लाइक जापान का मार्केट और फिर चाइना का मार्केट, हम ग्लोबल से उतना मतलब नहीं रखते। हालांकि यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन उतना हम फॉलो नहीं करते थे। लेकिन 2018 के बाद ये ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया। जब से चाइना और US के बीच ट्रेड वॉर शुरू हुआ, उसी के साथ साथ इंडियन मार्केट जो है वो पूरी तरह से US मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गया। US मार्केट जैसे मूव करता है अभी, इंडियन मार्केट वैसे ही मूव करता है, लॉजिक हो चाहे ना हो। सर्टेनली अगर US मार्केट 1,000-2,000 फॉल कर जाए, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे भी होगा। चाहे निफ्टी का इससे कोई वास्ता नहीं, चाहे निफ्टी के सारे स्टॉक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, इंडिया का गवर्नमेंट पॉलिसी भी अच्छा है, लेकिन उस सिचुएशन में थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट भी गिरावट आएगा। इसी के साथ साथ अगर इंडिया का मार्केट खराब भी हो और अमेरिका का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, उसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा और नॉर्मल परफॉर्मेंस होते हुए भी हम आउट परफॉर्म करेंगे। देखिए, जब ग्लोबल मार्केट अच्छा होता है तो ग्लोबल लिंक स्टॉक सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अमेरिकन मार्केट जब बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उससे लिंक्ड जो IT स्टॉक है, क्योंकि हमारे देश के मैक्सिमम जो IT कंपनी है वो अमेरिका में ऑपरेशन करते हैं, उनके ग्लोबल में ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में अपना ऑफिस है और मेन जो बिजनेस आता है वो US से आता है, US सेंट्रिक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे IT सेक्टर में। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट से लिंक जो सेक्टर है वो है मेटल सेक्टर, क्योंकि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के मेटल के सारे प्राइस डेली अपडेट होते हैं। तो इसी के साथ साथ जो मेटल का प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, टाटा स्टील, हिंडाल्को और उसी के साथ साथ JSW स्टील, JSPL, ये सारे स्टॉक आउट परफॉर्म करते हैं अगर ग्लोबल मार्केट अच्छा हो। US मार्केट अगर आउट परफॉर्म करे तो उसका इफेक्ट यूरोप में भी पड़ता है और सारे जो ग्लोबल मार्केट के इफेक्ट है वो एशियन मार्केट के साथ साथ हमारे इंडियन मार्केट में भी पड़ता है। और जो ग्लोबल सेंट्रिक स्टॉक है लाइक भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स और सारे फार्मा स्टॉक, जिसका बिजनेस भी बहुत ही US से और यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे फार्मा कंपनी बहुत ही सस्ते रेट में मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए सारे ग्लोबल जो बहुत बड़े कंट्री उनका ध्यान इंडिया पे ऊपर है। नॉट ओनली वो इंडिया पे आके अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहते हैं, उसी के साथ साथ हमारे देश में जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी वो ग्लोबल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कोविड के टाइम भी डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी ने नॉट ओनली मैन्युफैक्चर किया, उसको वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया। तो अभी जो मार्केट का सिचुएशन है उसका मेन रीज़न ही US मार्केट। US मार्केट 3 कारण से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नंबर 1 रीज़न, US
प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए लास्ट 6 महीने से जब कोरोना से यूएस का मार्केट पूरी तरह से डाउन था, उसके बाद जब इलेक्शन का कैंपेनिंग स्टार्ट हुआ, तो ये बात तो ऑलमोस्ट एवरी पीपल को पता था कि ये फाइट बहुत ही तगड़ा होने वाला है। सो जब जो बाइडेन का नाम सामने आया, तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो बाइडेन में वो काबिलियत है कि वो नए प्रेसिडेंट बन सके। उसी के साथ साथ लोगों ने ये भी होप करना शुरू कर दिया कि जो बाइडेन के आने के बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बीच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ग्लोबल मार्केट में बिजनेस में यूएस चाइना बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे और इसका साइड इफेक्ट वर्ल्ड के सारी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, जो कि एक पॉजिटिव इफेक्ट था। उसी के साथ साथ जब जो बाइडेन इलेक्शन जीत गए, तब सारे ग्लोबल मार्केट पे एक स्टेबिलिटी लौट आया, सारे ग्लोबल मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन लौट आया कि जो बाइडेन के जीत के साथ साथ ही ग्लोबल मार्केट आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि ट्रंप एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सन थे। ट्रंप क्या कहते थे, क्या बोलते थे, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर सकता था और उनका जो डेली डे ट्वीट है वो भी मार्केट के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। इसी के साथ साथ एक और न्यूज़ भी आया, वो है वैक्सीन। रिसेंटली एक न्यूज़ ट्रेंड पे चल रहा है कि 90% जो वैक्सीन का ट्रायल वो सक्सेसफुल रहा। तो इसी के साथ साथ जब हम लोग जून तक एक वैक्सीन का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, अभी वो एक्सपेक्टेशन बहुत ही नियर हो गया। अभी फेब्रुवरी तक सभी होप कर रहे हैं कि वर्ल्ड के सारे ऑलमोस्ट एवरी पॉपुलेशन के लिए फेब्रुवरी तक एक वैक्सीन आ जाएगा। और जिस पैंडेमिक से हम 1 ईयर से फाइट कर रहे थे, जिसके कारण सारे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो अंडर परफॉर्म कर रहा था, अभी उससे हमको रिलीफ मिलेगा और सारे ग्लोबल के जो इकोनॉमी है वो आउट परफॉर्म करेंगे। ये एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है। देखिए जब मार्केट गिरा था कोविड के टाइम, तो 3 कारण से गिरा था। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट और यूएस चाइना ट्रेड वॉर था, उसी के साथ साथ कोविड का इम्पैक्ट था जो कि अनसर्टेन था। लोगों को ये पता नहीं था कि इन फ्यूचर क्या होगा, मार्केट कितना क्रैश हो जाएगा, क्या सारे ग्लोबल के जो इकोनॉमी है वो बहुत टाइम के लिए स्टॉप हो जाएंगे और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट सारे कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए लोग शॉर्ट टर्म में पैसा मार्केट से निकाल लेना ही सेफ समझे। नॉट ओनली कॉमन मैन, फंड ने भी बहुत सारा अमाउंट मार्केट से उठा लिया और वेट करने लगे राइट अपॉर्चुनिटी के लिए। उसके बाद हमारा जो इंडियन मार्केट है वो 10,000 तक भी चला गया, फिर वो 9,000 पे भी आया। तो जब मार्केट डाउन था 7,500 तक, तो पैनिक था, तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करने का ही डिसीजन लिया। लेकिन उसके साथ साथ जब मार्केट 10,000 तक चला गया, तो बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया, फिर 9,000 पे आया, तो मार्केट में फिर पैनिक आ गया। ये वो दौर था जब वैक्सीन का न्यूज़ आ रहा था। देखिए यूएस चाइना ट्रेड वॉर तो था ही, उसके साथ साथ कभी ये न्यूज़ आ रहा था वैक्सीन आ जाएगा, नेक्स्ट दिन ये न्यूज़ आ रहा था वैक्सीन आने में अभी टाइम लगेगा, कभी केसेस कम हो रहे थे, कभी केसेस बढ़ रहे थे, पर अनसर्टेन सिचुएशन था। लेकिन प्रेजेंट डे में नॉट ओनली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गया, जो बाइडेन नेक्स्ट 5 साल के लिए प्रेसिडेंट भी बन गए, लोग ये बिलीव करते हैं कि जो बाइडेन बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, यूएस चाइना ट्रेड वॉर फिनिश हो जाएगा और कोरोना के वैक्सीन के साथ साथ ही कोरोना का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा, फिर सारे जो इकोनॉमी है वो नॉर्मली परफॉर्म करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन और टेंशन। तो ये सारे जो 3 न्यूज़ है एक साथ आ गए, बाइडेन का विन, वैक्सीन का न्यूज़, यूएस चाइना ट्रेड वॉर का न्यूज़, तो इसीलिए मार्केट आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है अभी। इसी के साथ साथ इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में अब तक जो मार्केट का सिचुएशन था वो यूएस को फॉलो करके ही हो रहा था, जो कि आईटी स्टॉक, फार्मा स्टॉक बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे थे, स्पेशली फार्मा स्टॉक। उसी के साथ साथ जो पुअर परफॉर्म कर रहा था वो था बैंकिंग स्टॉक, क्योंकि बैंकिंग जो स्टॉक है वो पूरा इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिया में उनका सारा बिजनेस है। इसीलिए जब कोरोना आया और मॉनिटोरियम पॉलिसी के बाद ये लोगों को डर लगने लगा कि बहुत सारा जो बैंक का लोन है वो एनपीए पे चला जाएगा, बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस हो गए, बहुत सारे लोग हैं जो इकोनॉमी उतना स्टेबल नहीं है कि अपने ईएमआई भर सके, वो कोई भी ईएमआई हो सकता है। बहुत सारे लोगों कार लोन, होम लोन, डिफाइंड काइंड ऑफ लोन बैंक से लिया था, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया तो वो हेल्पलेस हो गए और बैंक भी उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता था। उसी के साथ साथ बैंक का फंड का भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, बहुत सारे लोग हैं जो बैंक से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया था और बैंक रिकवरी भी उतना अच्छा नहीं कर रहा था। इसी के साथ साथ सारे बैंक भी क्रैश हो गए, मार्केट तो रिकवर हो गया, ग्लोबल मार्केट भी रिकवर हो गया, लेकिन बैंकिंग तो अब तक अंडर परफॉर्म ही कर रहे थे।
जो बाइडेन के विन के साथ साथ एक और न्यूज आया जो कि कोरोना वैक्सीन का था। अभी इंडिया में केसेस भी थोड़े कम होने लगे और लास्ट सेशन में जो रिजर्व बैंकिंग स्टॉक ने डिक्लेयर किया था उसमें काफी अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर किया था। जितना एनपीए का उम्मीद हम लोग कर रहे थे उससे बैंकिंग का परफॉर्म बहुत ही अच्छा था। तो इसीलिए लोग अभी ये समझना स्टार्ट कर दिया है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी बैंकिंग का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। हालांकि अगर आप मेरी ओपिनियन ले तो एक और क्वार्टर वेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन हालांकि आईटी फार्मा और सारे स्टॉक बहुत ही ऊपर चले गए हैं जो कि अभी लाइफ हाई से भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें अभी लोग सेफ नहीं समझते फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन बैंकिंग स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसीलिए बैंकिंग स्टॉक में भी अभी इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ है। जब निफ्टी 12,500 के ऊपर चले गया, 12,700 पे ट्रेड कर रहा है, तो बैंक निफ्टी कैसे पीछे रह सकता है। इसीलिए बैंक निफ्टी में लास्ट 1 रुपये बहुत ही अच्छा बाइंग आ रहा है। और ये सारे जो बाइंग है वो एफआईआई का है, क्योंकि सबसे पहले जो सेल करते हैं वो एफआईआई है, फिर डीआईआई है, फिर नॉर्मल इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर जो हम हैं। उसी के साथ साथ जब बाइंग भी मार्केट में आता है तो सबसे पहले पार्टिसिपेट एफआईआई करते हैं क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड अमाउंट है। फिर डीआईआई आता है, डीआईआई कौन है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे भी मैक्सिमम में म्यूचुअल फंड है जो हमारा ही पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और सभी का यही ट्रेंड है, सभी अपॉर्चुनिस्टिक है, राइट अपॉर्चुनिटी में इंतजार करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट। और उसी के साथ साथ अभी रिटेल इन्वेस्टर जो ऑलमोस्ट एवरी टाइम लास्ट में ही इन्वेस्ट करते हैं, और जब मार्केट पर क्रैश आता है वो विदड्रॉल भी सबसे लास्ट में करते हैं, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर का हर टाइम नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अभी खैर जो मार्केट है वो लाइफ हाई पे, देखिए आईसीआईसीआई बैंक हो जो 400 के नीचे बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कर रहा था, अभी ऑलमोस्ट 500 के नज़दीक पहुंच गया है। उसी के साथ साथ एचडीएफसी बैंक जो 1,000-1,100 के रेंज है बहुत टाइम तक, अभी ऑलमोस्ट 1,400 पे चला गया है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक ये बहुत ही अच्छे बैंक है। उसी के साथ साथ कोटक एक्सिस भी है, हालांकि इंडोसेंड बैंक, येस बैंक पे मैं उतना भरोसा नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही वोलाटाइल है, बहुत ही इलिक्विड फंड है, ये कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और मैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले बैंक में भी ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो अभी जो रेट है वो बहुत अच्छे, मैंने कुछ वीक पहले भी एसबीआई जब 180-190 पे ट्रेड कर रहा था तो एसबीआई को रिकमेंड किया था क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत ही अच्छा था और इसका जो रिसेंट रिजल्ट है बहुत ही अच्छा था। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए अभी मार्केट तो 1,200-1,700 पे, अगर ये कोरोना का सीन होता ही नहीं तो उससे पहले भी मार्केट 12,400 पे था। तो अगर इस सिचुएशन में अगर कोरोना होता ही नहीं तो भी अभी इंडिया मार्केट ऑलमोस्ट 14,000 के नियर ट्रेड कर रहा था, क्योंकि अभी मार्केट में एक तरफा मूव तो नहीं आता, मार्केट गिरता है फिर उठता है, ये मार्केट का ट्रेंड है। एक तरफा अगर मार्केट चला जाए तो बहुत टाइम तक या तो फिर कंसोलिडेट मोड पे रहेगा या फिर थोड़ा करेक्शन आएगा फिर लोग बाई करेंगे, या फिर 1 साल से कुछ ज़्यादा समय में मैक्सिमम 10% ग्रोथ ही पॉसिबल है। तो मार्केट ऑलमोस्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 14,000 के नज़दीक ही रहता था। अभी सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल नहीं है क्योंकि वैक्सीन का न्यूज़ आ रही है, ये तो लास्ट 8 महीने से चल रहा है, वैक्सीन रेडी है, फिर ये बोला जाता है कि वैक्सीन का ट्रायल पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। उसी के साथ साथ एक न्यूज़ पॉजिटिव है क्योंकि यूएस इलेक्शन हो गया, अभी जो बाइडेन क्या प्रेसिडेंट होने के बाद अनाउंस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से पहले मार्केट से बहुत लोगों ने बहुत सारा होप लगाया है, सिर्फ रिटेलर से नहीं एफआईआई डीआईआई का भी मार्केट से बहुत ज़्यादा होप है। तो एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। अभी यूएस चाइना ट्रेड वॉर और कोरोना ये दो रीज़न है, उससे पहले ही मार्केट पे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए और बाइंग में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी जो टाइम है वो ठीक नहीं है बैंकिंग में इन्वेस्ट करने के, स्पेशली एचडीएफसी बैंक तो मैं कहूँगा दूर रहने के लिए, ऑलमोस्ट 1,400 तक आ गया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है इन शॉर्ट टर्म। जबकि एक्सिस बैंक हो या फिर इंडोसेंड बैंक हो थोड़ा अभी इसमें जान बाकी है। उसी के साथ साथ एसबीआई माय फेवरेट, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम अभी, इसमें भी अभी पी रेशियो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा तो इसमें भी अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन के लिए थोड़ा वेट कीजिए। देखिए जब इक्विटी मार्केट में फॉल आता है तो उसी के साथ साथ बॉन्ड मार्केट, गोल्ड मार्केट जो कॉमोडिटीज है उसमें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ जाता है क्योंकि लोग सेवन सिक्योर रिटर्न की तरफ जाते हैं। इसलिए जब इक्विटी में क्रैश है गोल्ड लाइफ हाई पे चला गया, बॉन्ड मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी इक्विटी में फिर से बाइंग लौटा है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, इसीलिए गोल्ड में थोड़ा करेक्शन आ गया, डेप्ट मार्केट या फिर बॉन्ड मार्केट में भी थोड़ा करेक्शन आ गया। क्योंकि ऑल द टाइम ये नहीं होता कि फंड फ्लो आता है, कभी कभी सेक्टोरियल चेंज भी होता है,
अगर आपने फॉलो किया तो लास्ट 1 वीक से आईटी स्टॉक में करेक्शन आ गया, ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा आईटी स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो गया है। उसी के साथ साथ फार्मा स्टॉक भी करेक्ट हो गए, लेकिन बैंक में उसी के साथ साथ 10-20% अपसाइड आ गया विद इन 1 मंथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो फंड है, FII है, फिर रिटेल इन्वेस्टर है, एक सेक्टर से मूव करके दूसरे सेक्टर पे जा रहे थे, क्योंकि लोगों ने अभी आईटी फर्म में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर लिया था। तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो, क्योंकि लोगों को पता है अभी ये जो दो सेक्टर है थोड़ा कंसोलिडेट मोड पे जाएगा, लेकिन बैंकिंग का परफॉर्मेंस है वो पुअर है। अभी बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ का आना बाकी है, इसलिए लोग मूव कर रहे हैं। इसलिए एक सेक्टर में करेक्शन आ रहा है, एक सेक्टर में ग्रोथ आ रहा है, उसी के साथ फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, ऐसा रीजन नहीं है। तो अभी मार्केट पे जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से टला नहीं। अगर आप इन्वेस्ट ही करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिला था, 7,500 फिर 9,000 पे, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं लगा मार्केट को रिकवर करने के लिए। विद इन 6 मंथ मार्केट बहुत अच्छा रिकवर कर लिया है। तो अभी अगर आपको कोई ये बोले कि मार्केट बहुत अच्छा है अभी इन्वेस्ट करो, तो मेरा ओपिनियन है थोड़ा वेट करो, क्योंकि अभी आप इन्वेस्ट करो भी, मार्केट ऐसा नहीं है कि 5 से लेकर 10% के ज्यादा भी चला जाए, 5% भी बढ़ सकता है, 13,000 भी हो सकता है उसके ज्यादा, लेकिन उसके बाद एक करेक्शन आएगा, फिर कॉन्सोलिडेट मोड पर चला जाएगा, क्योंकि हर चीज का एक लिमिट होता है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर लिया तो अभी लोगों के बातों पे आके अभी इन्वेस्ट मत कीजिए। मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो, बॉन्ड हो, गोल्ड हो, इन्वेस्टमेंट का एक ही फॉर्मूला है, बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैली। करेक्शन पे बाय कीजिए, जब मार्केट ऊपर चला जाए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, या फिर पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर करेक्शन का वेट कीजिए, एक साइकिल होता है। अगर आपको नॉलेज है तो फिर ठीक है, अगर नॉलेज नहीं है तो वेट कीजिए, फिक्स डिपॉजिट में रखिए, सेविंग्स में रखिए, फिक्स इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा। तो यही था मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, तो यही जो एक मेन रीजन था मार्केट का आउट परफॉर्मेंस करने के लिए। अभी मार्केट 13,000 भी जा सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है, 12,000 भी आ सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कोरोना वैक्सीन, कोरोना केस कितना बढ़ता है। विंटर आने वाला है, हम सबको पता है कि विंटर में कोरोना का जो इफेक्ट है वो डेडली है। तभी हम दिसंबर जनवरी तक वेट करेंगे, उसके बाद ही डिसीजन लेगा। अगर इन्वेस्टेड हो तो वेट करो, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करो, एवरीडे अपने इन्वेस्टमेंट को फॉलो करो। अगर आप नहीं इन्वेस्टेड हो तो वेट करो, वेट करो सही टाइम के लिए। सडनली अगर वैक्सीन का न्यूज़ आ जाए तो मार्केट इतना ज़्यादा भी आउटपरफॉर्म नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 10% तक जा सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मार्केट का वेट कीजिए, सही टाइम आए तो मार्केट पे इन्वेस्ट कीजिए। और मैंने अभी जो डिस्कस किया ये बेसिक रीज़न था मार्केट के आउट परफॉर्मेंस के लिए। जब गिरा था 3 रीजन से गिरा था, अभी मार्केट आउटपरफॉर्म कर रहा है, उसके लिए भी 3 पॉजिटिव रीजन है, लेकिन आपको वेट करना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गया होगा क्यों मार्केट गिरा था और क्यों मार्केट अभी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, और कौन सा सेक्टर है आपके लिए सबसे ज़्यादा एट्रैक्टिव है, वो है बैंकिंग। लेकिन अभी बैंकिंग आउट परफॉर्म कर चुका है तो वेट कीजिए, थोड़ा थोड़ा करेक्शन में फिर से बाय कीजिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।